हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह, और आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे थे आपका 2018 का, उसका पार्ट टू के जो क्वेश्चंस हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक, इसमें हम जो है हर क्वेश्चन का आपको आंसर देंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन है, क्वीन विक्टोरिया वॉज कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, अ सेक्स लिंक डिजीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा जो क्वीन विक्टोरिया विक्टोरिया थी वो थी हीमोफीलिया, जो एक डिजीज़ होता है, सेक्स लिंक डिजीज़ है, उसकी कैरियर थी। कैरियर का मतलब है फिर ये डिजीज़ जो होता है रिसेसिव होगा। कह रहा है इसके लिए जो चार स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। फर्स्ट, हीमोफीलिया वुड हैव अकर मोर इन हर मेल्स दैन फीमेल डिसेंडेंट। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है, अगर कोई भी सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट होता है, अगर आपने पी डिग्री एनालिसिस पढ़ा होगा, तो वहाँ पे वो एक्स लिंक जो ट्रेट्स हैं वो मेल्स में जो है ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेल के पास काउंटर पार्ट जो वाई क्रोमोसोम है उसके पास वो सारे जीन नहीं होते जो एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। इसीलिए फीमेल के पास तो दो एक्स क्रोमोसोम रहता है, तो एक में अगर ये रिसेसिव वाला हो तो दूसरा उसको मास्क कर लेता है, लेकिन मेल्स में ये नहीं हो पाता। इसीलिए जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं वो मेल में ज़्यादा होते हैं। तो हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है, फिर भी हम चलेंगे आगे के तीन ऑप्शन को देख लेते हैं। क्वीन्स फादर मस्ट हैव हैड हीमोफीलिया। कह रहा है कि जो क्वीन का फादर थे उनको श्योरली कह रहा है हीमोफीलिया रहा होगा, पर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है फादर में जो एक्स क्रोमोसोम आता है वो दोनों चांसेस है, या तो फादर से आ सकता है या तो मदर से आ सकता है। तो यहाँ पे मस्ट हैव लगा है, ये ज़रूरी नहीं है, इसीलिए इनकरेक्ट है। सी, ऑल ऑफ हर सन्स वुड हैव हैड हीमोफीलिया। ऐसा भी नहीं है कि उसके जो क्वीन विक्टोरिया थी उनके सारे सन्स में हीमोफीलिया हुआ होगा। ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि उनका जो ये कैरियर थी ना, कि उनको डिजीज हुआ। तो कैरियर का मतलब है उनका जो दो एक्स क्रोमोसोम था उसमें से एक ही जो है म्यूटेंट फॉर्म वाला था। तो जब मेल होगा, मतलब उनका जो चाइल्ड होगा, ऐसे में वो या तो अपना जो सही वाला एक्स क्रोमोसोम है वो दे सकती हैं, या तो जो रिसेसिव वाला है, जो म्यूटेंट है, वो दे सकती हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे सन्स में हो, उन्हीं सन्स में होगा उनके, यहाँ पे वो एक्स क्रोमोसोम जो म्यूटेंट वाला है उसमें जाएगा। तो ये भी इनकरेक्ट होगा। ऑल ऑफ हर डॉटर्स वुड हैव हैड हीमोफीलिया। कह रहा है उनके सभी डॉटर्स में हीमोफीलिया हुआ होगा, तो डॉटर के पास तो और भी चांस नहीं है, क्योंकि ये कैरियर है, ये एक ही क्रोमोसोम देंगी, एक एक्स क्रोमोसोम आएगा कहाँ से, मेल से, तब उसका मास करने वाला एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, तो फीमेल में तो होगा नहीं। अगर आप इसका देखेंगे, इस फिगर से आप समझेंगे कि एक्स लिंक जो रिसेसिव ट्रेट होता है वहाँ पे दो चांसेस हैं कि या तो मेल से आए या तो फीमेल से आए, पर यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया का बोल रहा है कि वो कैरियर थी। तो इधर वाला चार्ट आप देखेंगे तो जैसे ये कैरियर मदर हो गई, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, और अनअफेक्टेड फादर होंगे, तो उनसे जब क्रॉस होगा आप देखेंगे, ये देखिए अनअफेक्टेड सन जो यहाँ पे दिया था कि उनके सारे सन में होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, अनअफेक्टेड सन हो सकता है, जो मैंने आपको बताया, अगर मदर से एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल वाला आए तो। डॉटर क्या हो गया, कैरियर भी हो सकती है और अनअफेक्टेड भी हो सकती है, मतलब वो कैरियर नहीं भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है फीमेल का कौन सा एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, म्यूटेंट वाला या नॉर्मल वाला। अब अफेक्टेड सन कब होगा, जब मेल से तो वाई क्रोमोसोम ही आएगा, लेकिन मदर अपना जो म्यूटेंट वाला है एक्स वो अगर उसको ट्रांसफर करती है तो जो है अफेक्टेड सन होगा। तो इसीलिए इन चारों में से आप देखेंगे सबसे करेक्ट कौन सा है, ए वाला, कि हीमोफीलिया वुड हैव अकर मोर इन हर मेल्स देन फीमेल डिसेंडेंट। तो जो क्वीन विक्टोरिया थी उनके फीमेल डिसेंडेंट में तो नहीं होगा, मेल डिसेंडेंट में ये ज़्यादा होगा। ज़्यादा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अनअफेक्टेड सन का भी चांस है यहाँ पे, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल इनटू CuSO4 सॉल्यूशन फॉर अ फ्यू मिनट्स यू विल ऑब्जर्व। कह रहा है अगर आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं कुछ देर के लिए, तो आप ऑब्जर्व क्या करेंगे, नो रिएक्शन टेक प्लेस, द कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे, द सर्फेस ऑफ आयरन नेल्स एक्वायर अ ब्लैक कोटिंग, और द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन।
तो अगर आप इमर्ज करेंगे आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, आप नोटिस करेंगे कि जो सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का वो ब्लू कलर का होता है। आप ये नोटिस करेंगे ये आयरन नेल डालने के बाद कि सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया, वो ग्रीन कलर का हो गया, और जो आयरन नेल्स है उस पर ब्लैक कलर का नहीं ब्राउन कलर का डिपॉजिट होगा। ठीक, इट इज़ बिकॉज, ये क्यों होता है? क्योंकि आयरन के जो आयन्स हैं वो जो सोल्यूशन किसका है, CuSO4 का, लेकिन आयरन का जब आप नेल डालेंगे तो आयरन का जो Fe है वहाँ पे वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और उसके साथ रिएक्ट करता है, और वो जो ब्लू सोल्यूशन है उसको ग्रीन कर देगा। ब्लैक कोटिंग नहीं होती वहाँ पे, ब्राउन कोटिंग होती है, ठीक है, जिसे आप रस्टिंग कहते हैं। तो यही हो गया, ना तो ये पहला वाला सही होगा, ना तो बी वाला, डी वाला सही होगा, ग्रीन कलर। और जब आप रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ा होगा मेटल्स का, तो उसमें सबसे ज़्यादा जिसे है यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव पोटेशियम है, फिर सोडियम, फिर लिथियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर आपका कार्बन आया, जिंक आया, आयरन आया। तो देखेंगे आप रिएक्टिविटी सीरीज में जो आयरन है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन में जो मेटल्स होते हैं ये उसको, मतलब जो आपका आयरन है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि उससे ज़्यादा रिएक्टिव है ये, SO4 से ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब रिएक्टिविटी की क्षमता है, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसीलिए सोल्यूशन आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? प्रोटीन्स के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है कि प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज ऑलवेज फ्रॉम कार्बोक्सी टर्मिनस टू अमीनो टर्मिनस, या सेकेंड वाला अमीनो टर्मिनस से कार्बोक्सी टर्मिनस पे होता है, या थर्ड प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है रैंडम डायरेक्शन में होता है, या फोर्थ डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस डिपेंड ऑन द प्रोटीन, या प्रोटीन टू प्रोटीन वरी करता है। तो आप देखेंगे जैसे आपने पोलरिटी पढ़ा होगा रेप्लिकेशन में, पॉलीमराइजेशन में पढ़ा होगा आपने कि वहाँ पे 5' टू 3' उनकी पोलरिटी होती है, वैसे ही पॉलीपेप्टाइड का जो सिंथेसिस होता है, जो भी एमिनो एसिड आता है, फर्स्ट एमिनो एसिड मान लीजिए आप लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं, तो लेफ्ट में उसका NH3 होगा और इसका जो CUT रहेगा, COOH ग्रुप रहेगा इस एमिनो एसिड का, वो रिएक्ट करेगा दूसरे एमिनो एसिड के NH3 वाले ग्रुप से। तब ऐसे जब प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, आप देखेंगे प्रोटीन्स में भी आपको पोलरिटी दिखेगी। जिस प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो हमेशा एमिनो टर्मिनस से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होता है, कार्बोक्सी टर्मिनस में। जो लास्ट में एमिनो एसिड जुड़ेगा वो देखेंगे आप लास्ट में एकदम राइट साइड पे कार्बोक्सी टर्मिनस होता है। तो वही है कि यहाँ पे इसीलिए प्रोटीन को हमेशा आप देखेंगे हम बोलते हैं एन टर्मिनस पे, सी टर्मिनस पे, क्योंकि उसमें पोलरिटी होती है, एन टर्मिनस और सी टर्मिनस होते हैं और वो लिंक होता है प्रोटीन सिंथेसिस के डायरेक्शन से। तो हमेशा आप समझिए प्रोटीन जो होता है वो सिंथेसाइज होता है एमिनो एसिड टर्मिनस से कार्बोक्सी टर्मिनस की ओर। 54 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन न्यूक्लिक एसिड? तो ये बहुत ईजी है कि आप साइटोलॉजी में आपने बेसिक पढ़ा होगा, ऑर्गेनेल्स या जो भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सेल पे, आपको पता होगा कहाँ पे न्यूक्लिक एसिड होता है कहाँ पे नहीं होता। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो आपको पता है न्यूक्लियस क्या है, रिपोजिटरी है आपका न्यूक्लिक एसिड का। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेल है आपको पता होगा उनके पास उनका खुद का न्यूक्लिक एसिड होता है। और अगर हम राइबोसोम की बात करें तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे ऑप्शन से हो गया, दोनों में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो आपने राइबोसोम का अगर स्ट्रक्चर पढ़ा होता तो राइबोसोम क्या होते हैं, वहाँ पे भी आरएनए होते हैं, नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं और कुछ प्रोटीन से वो मिलके बना होता है। और ये राइबोसोम जो होता है पॉलीपेप्टाइड जो सिंथेसिस होता है आपका, प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें हेल्प करते हैं। तो राइबोसोम जो स्मॉलर सेगमेंट होता है, लार्ज सेगमेंट, दोनों में भी आरएनए पाया जाता है। तो ये न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट हुआ। वहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें आप, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन सिस्टम है जहाँ पे फ्लैटन सैक्स आपको मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में, जिसका यूजली जो फंक्शन है वो फोल्डिंग का, मॉडिफिकेशन का या प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन का है, और इनमें आपने न्यूक्लिक एसिड नहीं पढ़ा है। तो कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको न्यूक्लिक एसिड नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं हम। दिया है मैच द नेम्स गिवन इन द लिस्ट ए विद द क्लास ऑफ मेजर केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन लिस्ट बी। लिस्ट ए में आपको कुछ प्लांट के नाम दिए गए हैं, उसको आपको मैच कराना है लिस्ट बी वाले से,
कि उनका केमिकल कंपाउंड उसमें कौन सा प्रेजेंट होता है। तो जैसे नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर आपने देखा होगा, ये मोस्ट वाइडली यूज्ड नेचुरल पॉलीमर है आज के हमारे लाइफ में। ये जो बना होता है ये पॉलीटरपीन से बना होता है, मतलब टर्मीन का ये आप कह लीजिए पॉलीमराइज फॉर्म है। तो जो नेचुरल रबर होगा उसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी, टर्पीन। नेचुरल रबर का कनेक्शन किससे है? टर्पीन से है। अगर ब्लैक पेपर की हम बात कर लेते हैं, ब्लैक पेपर में एक बायो एक्टिव कंपाउंड होता है पिपरिन। पिपरिन ठीक जैसे कि आपने अल्कोलाइड सुना होगा, जैसे कैप्सिसिन प्रेजेंट होता है चिली पाउडर में, वैसे इसका एक्टिव कंपोनेंट जो ब्लैक पेपर का है वो पिपरिन है। अगर गोल्डन राइस की हम बात कर लें, गोल्डन राइस एक जो हमारा ओराइजा सटाइवा है राइस का, उसका वेराइटी है जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करके बनाते हैं, जो बायोसिंथेसाइज करता है बीटा कैरोटीन का, जो प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का। तो गोल्डन राइस का रिलेशन किससे है? बीटा कैरोटीन से है। वहीं अगर हम पेपर सोमनीफेरम की बात कर लें, जो एक प्लांट है पेपोरेसी फैमिली का, इससे हमें क्या मिलता है? मॉर्फीन मिलता है, कोडीन मिलता है, सैंगुनरीन मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पेपर सोमनीफेरम का मॉर्फीन। और ये सारे ऑप्शन आपको किस में मिलेंगे? सी में। पहला का सी, दूसरा का डी, और तीसरा का हो गया आपका बी, चौथे का आपका हो गया ए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनएज आर इन्वॉल्व इन स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम प्राइमरी जीनोमिक ट्रांसक्रिप्ट। अब आपको पता है ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन वगैरह होता है, ट्रांसलेशन होता है, कह रहा है जो आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसमें आपने पढ़ा होगा कि वो एग्जॉन जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस इंट्रॉन्स होते हैं वो दोनों होते हैं। और जब मेच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है तो वहाँ पे इंट्रॉन्स को काट कर रिमूव किया जाता है, जिसको हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं। अब कह रहा है कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए, कौन सा आरएनए जो होता है ये स्प्लाइसिंग में इन्वॉल्व होता है? राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो अगर आप इन सब में देखेंगे, राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन प्रोटीन सेंसेस में है, ट्रांसफर आरएनए का भी फंक्शन प्रोटीन सेंसेस में है, जहाँ पे वो चार्ज अमीनो एसिड को लेके आता है। स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए का रोल क्या है? जो मैसेंजर आरएनए को अगर हमें वो करना रहता है, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्ट पर्पजेस के लिए यूज होता है। पर जो यहाँ पे आपका स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एसएनआरएनए बोलते हैं, ये एक क्लास है स्मॉल आरएनए का, जिसका साइज अबाउट 150 न्यूक्लियोटाइड होता है। और ये यूकैरियोटिक जीनोम में क्या करता है, कोड क्या करता है? नॉन कोडिंग, जैसे आप नॉन कोडिंग आरएनए यूकैरियोटिक जीनोम आपको पता है बहुत सारे कोड करते हैं, उसमें से एसएनआरएनए क्लास है, हाईली एविडेंट आरएनए जो पाया जाता है हमारे न्यूक्लियस में ही। और यही जो आपका आरएनए है ये इंट्रॉन स्प्लाइसिंग में फंक्शन करता है, मींस आरएनए प्रोसेसिंग में फंक्शन करता है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 पे। पूछा है इंडोस्पोर्स क्या है? अगर इंडोस्पोर्स की आप बात करें तो आप जैसे यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखेंगे तो पहले ही बैक्टीरिया का नाम आता है, और बैक्टीरिया से ही एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है इंडोस्पोर। ये एक डॉर्मेंट टर्फ नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जो स्मॉल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस करते हैं। और इसका फंक्शन ये होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडोस्पोर है, इंडोस्पोर्स हैं, उनका फंक्शन ये होता है कि ये इंश्योर करते हैं कि बैक्टीरिया जो है जब उस पर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस पड़ता है तो वो इस स्ट्रेस कंडीशन को झेल जाए, इसको क्रॉस कर जाए। ओके तो करेक्ट ऑप्शन आप देखेंगे तो यही है, सर्टेन बैक्टीरियल स्पोर्स, नॉट प्रोटोजोअन फ्रूटिंग बॉडीज, इट इज नॉट अ फंगल स्पोर, इट इज नॉट अ नॉन लिविंग वायरल कैप्सूल, इट इज अ बैक्टीरियल स्पोर। सो एंडोस्पोर किससे रिलेशन है इसका? ऑप्शन नंबर ए से, तो यही करेक्ट होगा। 58 पे आते हैं। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ आपने पढ़ा है एनाटॉमी में, वहाँ पे कह रहा है जो कुछ सेल होते हैं कॉर्टिकल रीजन की, कॉर्टेक्स में डाइकॉट प्लांट का, वो मेरिस्टमैटिक हो जाता है, मतलब उसमें कैपेबिलिटी आ जाती है डिवाइड करने की, और वो जो होता है कॉर कैम्बियम बनाता है। अब ये जो आपका मेरिस्टमैटिक रीजन जो कॉर्टेक्स में हुआ, ये क्या कहलाता है? फेलम, फेलोजन, पेरिडर्म और फेलोजन, फेलोडर्म। तो अगर आप थोड़ा सा वर्ड गेम आपको अगर प्ले करना आता हो
तो आप देखेंगे जेन, जेन का मतलब जनरेट करना या जेनेसिस आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे फेलोजेन जो है वही करेक्ट ऑप्शन है। फेलोजेन जो होता है यही आपका मेरिस्टमेटिक सेल लेयर है जो रिस्पॉन्सिबल है पेरिडर्म का डेवलपमेंट करने के लिए, और पेरिडर्म में आपके सारे आते हैं, फेलेम, और फेलेम जो बाहर का पार्ट, फेलेम अंदर का पार्ट है, फेलोडर्म बाहर का पार्ट है। सेल दैट ग्रो इनवर्ड्स फ्रॉम दीज आर टर्म फेलोडर्म, जो इनवर्डली ग्रो करता है उसको फेलोडर्म बोलते हैं, एंड सेल्स दैट डेवलप आउटवर्ड आर टर्म एज फेलेम, या जिसे कॉर्क बोलते हैं। हाँ, तो आपका जो फेलोडर्म है वो अंदर वाला, मतलब ये जो आपका फेलोजन है, फेलोजन बाहर की तरफ भी कट करता है, अंदर की तरफ भी कट करता है। जो अंदर की तरफ कट करता है उसे हम फेलोडर्म बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ ये कट करता है उसको हम फेलेम या कॉर्क बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? सी, फेलोजन। क्वेश्चन नंबर 59 पे हम देखते हैं, ये थोड़ा सा जूलॉजी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। नॉर्मली हाइड्रा कह रहा है किससे बिलोंग करता है आपका, ओके, हाइड्रा किस फाइलम से बिलोंग करता है? एक्चुअली निडेरिया, पोरीफेरा, प्लेटीहेलमिंथा और इकाइनोडर्मेटा। तो हाइड्रा जो है ये एक जीनस है स्मॉल फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म का, और ये जो होता है फाइलम निडेरिया से बिलोंग करता है, और फाइलम निडेरिया के हाइड्रोजोआ क्लास से। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, पूछा है प्रमोटर क्या है। प्रमोटर आपने पढ़ा होगा बहुत बार मॉलिकुलर बायोलॉजी में। तो ये जो प्रमोटर होते हैं ये डीएनए का ही सीक्वेंस होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है जीन को टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने में। और जो प्रोसेस है आपका ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन जो होता है वो प्रमोटर की वजह से होता है, और ये यूजली जो होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो आपका स्ट्रक्चरल जीन होता है उसके अपस्ट्रीम, मतलब पहले प्रेजेंट होगा। और ये जो प्रोमोटर होते हैं इनके पास बाइंडिंग साइट होती है आरएनए पॉलीमरेज़ के लिए, तो आरएनए पॉलीमरेज़ इन्हीं प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हीं से बाइंड करते हैं, और फिर वो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं जिससे ट्रांसक्रिप्ट हमारा बनता है जो आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस में, जिसका प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो प्रोमोटर क्या होगा आपका? अपस्ट्रीम आरएनए सीक्वेंस नहीं है ये, अपस्ट्रीम डीएनए सीक्वेंस है। सीडी पे आप जाएंगे तो वहां पे लिखा है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड नहीं सही है। प्रमोटर क्या होते हैं? ये अपस्ट्रीम डीएनए सीक्वेंस होते हैं एक जीन के जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और आरएनए पॉलीमरेज से इन ऑर्डर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं, अ टेक्निक दैट सेपरेट्स एंड रिजॉल्व मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू देयर नेट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड यूजली ऑन सॉलिड और सेमी सॉलिड एगरोज मीडियम इज कॉल्ड। तो आप देखेंगे कह रहा है कौन सा एक टेक्निक है जहाँ पे हम एगरोज का यूज़ करते हैं, जो सॉलिड या सेमी सॉलिड आप बोल सकते हैं, और वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो आप ऐसा देखेंगे जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें जहाँ पे आपका एगरोज यूज़ हो, तो वो आता है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से करेक्ट ऑप्शन होगा। डीनेचुरेशन तो अलग चीज़ें, अलग चीज़ है, सोनिफिकेशन अलग चीज़ है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको कॉमनली पीसीआर बोलते हैं वो अलग चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एगरोस का यूज़ हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। 62 पे आते हैं, अब कह रहा है अ पिगमेंट कंटेनिंग सेंसरी प्रोटीन, एक पिगमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो सेंसरी प्रोटीन होता है वो स्पेशलाइज लाइट रिसेप्टर में होते हैं जिनको हम रॉडस्टैट्स बोलते हैं, और वो रिक्वायर्ड होते हैं हमारे विजन के लिए ताकि हम डिम लाइट में देख सकें। वो कौन सा पिगमेंट है आपका? मिलानिन है, स्क्लेरोटिन है, रोडॉप्सिन है या रेटिनॉल है? तो आप देखेंगे रोडॉप्सिन आपने पढ़ा होगा, यही इसको हम विजुअल पर्पल पिगमेंट कंटेनिंग सेंसरी प्रोटीन होता है दैट कन्वर्ट लाइट इनटू एन इलेक्ट्रिक सिग्नल। जब लाइट पड़ता है आपके आईज पे या रोडॉप्सिन पे इंटरनली, तो ये उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट्स से लेके बैक्टीरिया तक, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनका जो विजन होता है डिम लाइट में देखने के लिए ये जो आई होता है आपका रेटिना उस पे आपका मौजूद रहता है। जब लाइट जो होता है पड़ता है आपके इस पे रेटिना पे, फोटो रिसेप्टिव जो ये रॉड सेल्स होते हैं आपके रोडॉप्सिन, यही आपको लो लाइट कंडीशन में हेल्प करते हैं देखने के लिए। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। 63 पे आते हैं, सीड डॉर्मेंसी कह रहा है इनहिबिटेड, जैसे सीड डॉर्मेंसी जरूरी है आपका ताकि कुछ टाइम तक सीड ना ग्रो करे, बहुत सारे रीजंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब अगर ऐसा प्लांट में एडॉप्टेशन हो जाता कि वो तुरंत गिरता वहीं पे ग्रो करने लगता,
तब उसको प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, सीट डॉर्मेंसी इसीलिए डेवलप हुई। पर कह रहा है सीट डॉर्मेंसी अगर हमको इनिबिट करना है मैकेनिकली बाय काजिंग सीट कोड इंजरी, जिसे हम सीट कोड को इंजरी करके उसका सीट डॉर्मेंसी तोड़ दें, तो इसको क्या बोला जाता है? स्कैरिफिकेशन, वनलाइजेशन, स्ट्रेटिफिकेशन और ह्यूमिफिकेशन। तो ये जो हम मैकेनिकली जो है सीट कोड का इंजरी करके सीट डॉर्मेंसी को इनिबिट करते हैं, ये आता है आपका एक प्रोसेस है स्कैरिफिकेशन, इसी में ये आता है स्कैरिफिकेशन, इसको बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ए। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला स्पर्म जो होता है नॉन मोटाइल होता है। आपको पता है लोअर जो प्लांट्स है वहाँ पे उनमें वाटर जो होता है नेसेसरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, फिर धीरे धीरे लैंड प्लांट्स आए वहाँ पे, धीरे धीरे बहुत टाइम तक आप देखेंगे इवन जिम्नोस्पर्म में बहुत सारे मोटाइल हैं, पर धीरे धीरे आप देखेंगे एंजियोस्पर्म में जो काफ़ी एडवांस फॉर्म है वहाँ पे जो स्पर्म होता है नॉन मोटाइल ही होता है, और वहाँ पे पॉलन ग्रेन का और पॉलन ट्यूब वगैरह का सब कुछ का मतलब एडवांस फीचर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे स्पर्म जो होता है आपका नॉन मोटाइल नहीं होता है। तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के कुछ ग्रुप दिए गए हैं, साइकेडोफाइटा, जिंकोफाइटा, नीटोफाइटा और लाइकोफाइटा। पूछा है कहाँ पे जो होता है आपका, किस फाइला में यहाँ पे आपके नॉन मोटाइल स्पर्म पाए जाते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है, साइकेडोफाइटा जो है ये एक जो डिवीज़न है जिम्नोस्पर्म का, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो स्पर्म मिलेंगे वो नॉन मोटाइल नहीं होते हैं। यहाँ पे आप साइकेडोफाइटा के जितने मेंबर होते हैं वो आपको वहाँ पे मोटाइल स्पर्मेटो जो हुआ मिलेगा। और वहीं अगर आप जिंकोफाइटा की बात कर लें, जिसका एक ही प्लांट आपको बता है मोनोटिपिक फैमिली कह लीजिए या जीनस कह लीजिए, जिंको बायलोबा एक ही मेंबर है, और यहाँ पे भी क्या है आपका मोटाइल स्पर्म पाया जाता है। नीटोफाइटा जो आता है आपका वो आपके लीजिए एडवांस मेंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे जो होता है फ्लैजिला नहीं पाया जाता है नीटम में। वहीं लाइकोफाइटा की अगर हम बात कर लें तो ये आपका टेरिडोफाइटा है, और यहाँ पे टेरिडोफाइटा तो जिम्नोस्पर्म से लोअर वो है लोअर प्लांट्स है, तो वहाँ पे आपको स्पर्म जो है मोटाइल मिलेंगे। तो केवल और केवल जहाँ पे आपका एक नॉन मोटाइल जहाँ पे स्पर्म होते हैं वो आपका है नीटोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, पूछा है जो टी डीएनए होता है किस बैक्टीरिया का है, जिसको हम डी आर्म करके एज अ वेक्टर यूज करते हैं टू क्लोन जीन सीक्वेंसेस। तो आप देखेंगे जो आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस है बायोटेक्नोलॉजी में बहुत पॉपुलर है, ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, इन दोनों का यूज़ करके एक्चुअली ई कोलाई नहीं जो टी डी ने पाया जाता है आपका, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस में पाया जाता है, जहाँ पे वायरलेस जो जीन है उनको हम डीआर्म कर देते हैं, निकाल देते हैं और फिर इसको एज ए वेक्टर हम यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? बी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। 66 पे आते हैं, कह रहा है अ मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस कंसिस्टिंग ऑफ नॉन लिविंग कॉम्पैक्ट सेल्स विथ लिग्निफाइड स्ट्रिप। कह रहा है मल्टी लेयर एपिडर्मिस होता है ये जो नॉन लिविंग कॉम्पैक्ट सेल्स का बना होता है, लिग्निफाइड भी रहता है इसका सेकेंडरी वॉल, जिससे ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वाटर लॉस को भी प्रिवेंट करता है, इवन वाटर एब्जॉर्बिंग में भी हेल्प करता है। ये कौन सा पार्ट है आपने पढ़ा है? फिलोडर्म है, एपिथीलियल पार्ट है, ये वेलामेन कहलाता है या एंडोथीलियल? तो ये जो आपका मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस है इसको हम विलमेन कहते हैं, जो नॉन लिविंग कॉम्पैक्ट सेल्स का बना होता है, जिसका सेकेंडरी वॉल लिग्निफाइड होती है, और ये सपोर्ट तो प्रोवाइड करता ही करता है, साथ में वाटर लॉस भी प्रिवेंट करता है और वाटर एब्जॉर्बिंग में भी ये हेल्प करता है आपका। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, विच स्टेज ऑफ द प्लांट डेवलपमेंट हैव मोर रिस्पिरेशन। कह रहा है कौन सा स्टेज है प्लांट डेवलपमेंट का जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा, जर्मिनेटिंग सीड में, रूट टिप में, ग्रोइंग शूट अपेक्स में, या लीफ बड में। तो अगर आप प्लांट के लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो जो सीड होता है, सीड में जो डॉर्मेंसी का पीरियड होता है, ये एक जर्मिनेशन का स्टेज है, यहाँ पे बहुत कम एक्टिविटी होती है सीड के द्वारा और बहुत कम ही यहाँ पे रेस्पिरेशन होता रहता है। वंस जर्मिनेशन स्टार्ट सेलर रेस्पिरेशन रेट इंक्रीजेस ड्रामेटिकली इन ऑर्डर टू प्रोवाइड नीडेड मटेरियल्स फॉर इनिशियल प्लांट ग्रोथ स्टेजेस। और जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसको बहुत एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि वो एनर्जी स्टोर करके रखता है वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट या लिपिड के फॉर्म में, तब वहाँ पे रेस्पिरेशन होके उसको एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन आप देखेंगे कि जर्मिनेटिंग सीड में ज़्यादा होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ए। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, पूछा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है
वो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो अगर आपने पढ़ा होगा जो ग्लाइकोलिसिस का, ग्लाइकोलिसिस कहना, ग्लूकोज का जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर उससे जो दो पाइरूवेट बनते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है, फिर उससे एस्टिल कोएंजाइम बनते हैं, फिर एस्टिल कोएंजाइम को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करके टोटल ग्लाइकोलिसिस में भी, पाइरूवेट ऑक्सीडेशन में भी और क्रेब साइकिल में भी, तीनों जगह से एक तो एटीपी निकलता है, फिर FADH2 निकलता है, NADH2 निकलता है। तो FADH2 और NADH2 को इसको फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए हम कन्वर्ट करते हैं ATP में, जो क्योंकि एनर्जी करेंसी अगर हम बात करें हमारे सेल में, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ATP के फॉर्म में ही यूज़ होता है, तो इसीलिए उसको हम ATP में कन्वर्ट करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आपका, ये आप देखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यूकेरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो वहाँ पे उसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इसके सारे जो एंजाइम्स हैं वहीं पे पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ए। 69 पे आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ काइनेज एंजाइम? कह रहा है काइनेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? क्या ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है, या ये मेथिल ग्रुप ऐड करता है, या एडिशन ये करता है फॉस्फेट ग्रुप का, या ये रिमूव करता है मेथिल ग्रुप का? तो जो काइनेज एंजाइम है, पहली बात तो इसका मेथिल ग्रुप से कोई एसोसिएशन है ही नहीं, इसका काइनेज एंजाइम का रोल है एसोसिएटेड है ये फॉस्फेट ग्रुप से। अब बात है कि ये रिमूव करता है, ये ऐड करता है, तो फॉस्फेटेजेस जो एंजाइम होते हैं वो फॉस्फेट रिमूव करते हैं, लेकिन जो काइनेज एंजाइम है ये करता है आपका एडिशन का काम। तो इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कौन सा होगा? सी, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, व्हाट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ इन क्रोमोप्रोटीन? क्रोमोप्रोटीन जो होते हैं आप देखेंगे वो एक्चुअली कंजुगेटेड प्रोटीन होते हैं, जहाँ पे एक पिगमेंटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, मतलब एक प्रोटीन पार्ट होगा और जो कोफैक्टर होता है इसका वो कोई क्रोमोफोर होता है। ओके, तो क्रोमोप्रोटीन जो होता है उसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो क्या होता है? क्रोमोफोर, ना कि न्यूक्लिक एसिड, साइटोक्रोम या पिगमेंट्स। तो क्रोमोफोर होते हैं, जैसे एग्जांपल आप हीमोग्लोबिन की बात कर लें, तो ये हीम इसमें कोफैक्टर होता है, विच इज़ द आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, और इसीलिए जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है, इसी की वजह से रेड कलर का वो दिखाई देता है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ए। क्वेश्चन नंबर 71 पे हम आते हैं, व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट इन लाइट इंड्यूस फोटोसेंसिस प्रोसेस? अब कह रहा है फोटोसेंसिस में बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? एटीपी, एनएडीपीएच, H2O, O2 या कार्बोहाइड्रेट? तो जो फोटोसिंथेसिस हम करते हैं, एक्चुअली फाइनल हमारा गोल क्या होता है कि हम उसे कार्बोहाइड्रेट बनाएं, और इसके लिए जो लाइट रिएक्शन होता है वहाँ पे हम सबसे पहले ATP और NADPH को जनरेट करते हैं, जो कि एनर्जी के तरीके से काम करते हैं, जब हम CO2 को फिक्स करते हैं कार्बोहाइड्रेट में। तो बाय प्रोडक्ट वो बोलते हैं जो साइड में निकले। अब ATP और NADPH लाइट रिएक्शन में निकलना, ये तो हमारा गोल था, कार्बोहाइड्रेट लास्ट में जो कार्बन हो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फिक्स हो, ये भी हमारा गोल है। पर अब H2O का तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट नहीं होता, H2O का प्लांट यूज़ करते हैं, और जो बाई प्रोडक्ट यहाँ पे निकलता है वो होगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकाले, लेकिन ये एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? बी, ऑक्सीजन। 72 पे आते हैं, कह रहा जो आपका मेंडल का डॉर्फ और टाल और डॉर्फ एलील्स, आपने मेंडल के एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा होगा, बहुत पॉपुलर है ये मेंडल का टाल एलील, डॉर्फ एलील, पी में जो एग्जांपल था, कह रहा ये जीन लोकस जो है वो दैट कैन कंट्रोल द लेवल ऑफ बायो एक्टिव, ये किसका एग्जाम्पल है, मतलब कौन से बायो एक्टिव कंपाउंड का ये सिंथेसिस वगैरह को कंट्रोल करता है? तो जो मेंडल का एक्चुअली डार्फ है, टॉल एलील था पी में, जो फेमस एग्जांपल है एक, अ सिंगल जीन लोकस दैट कैन कंट्रोल द लेवल ऑफ बायो एक्टिव जीए एनहेंस सिस्टम लेंथ, एक्चुअली ये जिब्रेलिन का, ये जो मेंडल का टॉर्फ डॉर्फ एलील था जिसकी वजह से प्लांट हाइट करता या बढ़ता था, ये एक्चुअली क्या करता है, ये जो आपका लेवल है जिब्रेलिन का, इसी के लिए ये कोड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? सी, जिब्रेलिन। 73 पे आते हैं, फाइलोजेनी एंड इंटर रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन टैक्सा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, टाइप एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोजोमिज। कह रहा है जैसे आपको पता है क्लासिफिकेशन के बहुत सारे मेथड है, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक,
अलग अलग टाइप के हैं। कह रहा है अगर आपको फालू यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखना हो या इंटर रिलेशनशिप देखना हो दो टैक्सा के बीच में या बहुत सारे मेंबर्स के बीच में, किसके बेसिस पे? नंबर, टाइप और अरेंजमेंट। क्रोमोसोम का आपको नंबर देख रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, उसका टाइप कंसीडर कर रहे हैं और अरेंजमेंट देख रहे हैं, तो ये आप क्या कहलाएगा, किस टैक्सोनॉमी में आता है? साइटो टैक्सोनॉमी, कैरियो टैक्सोनॉमी, क्रोमो टैक्सोनॉमी या कीमो टैक्सोनॉमी? तो कीमो टैक्सोनॉमी तो अलग चीज़ है, जहाँ पे हम केमिकल एनालिसिस के बेस पे वो करते हैं क्लासिफाई या इंटर रिलेशनशिप देखते हैं। क्रोमो टैक्सोनॉमी तो ये टर्म नहीं है यहाँ पे। साइटो टैक्सोनॉमी, कैरियो टैक्सोनॉमी में आप कन्फ्यूज़ हो सकते थे, पर साइटो टैक्सोनॉमी जो है वो हम देखते हैं सेल सेल के बेसिस पे, सेल का कंटेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें। पर अगर आप बात करेंगे क्रोमोसोम का, तो ये कैरियो टैक्सोनॉमी है। कैरियो टैक्सोनॉमी में ही हम इंटर रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन टैक्सा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, टाइप एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। कह रहा है वायराइड्स के अंदर क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो इनक्लोज होता है प्रोटीन कोड से, या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो प्रोटीन कोड से इनक्लोज नहीं होता, या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो प्रोटीन कोड से इनक्लोज नहीं होता, या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो प्रोटीन कोड से इनक्लोज रहता है? तो वायराइड्स में आप देखेंगे स्मॉलेस्ट इन्फेक्शस पैथोजेंस है एक्चुअली, और ये केवल और केवल सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के बने होते हैं, और यहाँ पे प्रोटीन कोटिंग भी नहीं होती है। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? सी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नॉट इनक्लोज बाय प्रोटीन कोट। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। बहुत इजी है ये, आपने अगर पीसीआर पढ़ा हो। कह रहा है रिसर्च स्कॉलर हैज न्यूली ज्वाइंड अ बायोलॉजी लैब फॉर हिज पीएचडी। एक रिसर्च स्कॉलर था, उसने एक लैब ज्वाइन किया पीएचडी के लिए, और उसके सुपरवाइजर ने बोला उनको एक काम बताया कि आप ये ऐसा ऐसा करके आप एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट करिए, और उनको उन्होंने कुछ बायो मॉलिक्यूल दिया, कुछ केमिकल दिए, कुछ बफर दिया, और उनको प्रोटोकॉल दिया। और जब उन्होंने सारे ये सब केमिकल वगैरह को मिक्स विक्स कर लिया, और उन्होंने ये बोला कि आप जाइए ये जो ट्यूब है इनको आप 95 डिग्री सेंटीग्रेड पहले 5 मिनट पे रखिएगा, फिर उसके बाद 30 साइकिल चलाइएगा 95 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 1 मिनट, फिर 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 सेकेंड, फिर 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 मिनट, और लास्ट में आप क्या करिएगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 मिनट के लिए रखिएगा, और फिर इसको इनफाइनाइट होल्ड के लिए, इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट होल्ड पे रख लीजिएगा, या इनफाइनाइट टाइम के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया गया। पूछा इसमें तो उसके सुपरवाइजर ने क्या उनको सजेस्ट किया क्या परफॉर्म करने को? आइसोलेशन ऑफ हीट शॉक प्रोटीन फ्रॉम मेमेरियन क्रोमोसोम, साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या आरएनए आइसोलेशन फ्रॉम अ बैक्टीरिया कलेक्टेड फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर एल्टीट्यूड। तो अगर आपने कभी भी पीसीआर पढ़ा होगा, पीसीआर जब हम पीसीआर मशीन में लगाते हैं तो यही जो होता है आपको उसमें साइक्लिंग जो होता है देना पड़ता है। तो ये जो है स्टेप जो उनके सुपरवाइजर ने बताया अपने रिसर्च स्कॉलर को, ये सब किसके स्टेप्स हैं? पीसीआर के स्टेप हैं, जहाँ पे ये जो पहले उन्होंने 95 पे रखा 5 मिनट के लिए, इस स्टेप को प्री डीनेचुरेशन बोला जाता है, और एक ही बार होता है। उसके बाद 30 साइकिल का क्या होता है? पहले डीनेचुरेशन होता है, फिर एनेलिंग होता है, फिर एक्सटेंशन होता है, यही 30 बार जो है रिपीट होता है। तो ये प्रोसेस किससे रिलेटेड है? पीसीआर से। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? सी। 76 पे आते हैं। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है? द बैक्टीरियोफेज इज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। तो बैक्टीरियोफेजेस के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा तो वहां पे आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल मिलेंगे। टीएमबी हैज अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। टीएमबी जो है एक आरएनए वायरस तो है, लेकिन वहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड ये होता है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता है, तो यही स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर भी हम सीडी को देख लेते हैं। कह रहा है मोस्ट प्लांट वायरसेस आर आरएनए वायरस। यस, दिस इज करेक्ट दैट मोस्ट प्लांट वायरसेस आर आरएनए वायरसेस, वेयर एज मोस्ट एनिमल वायरसेस आर डीएनए वायरस। सो द ऑप्शन नंबर ए सी डी आर करेक्ट, बट द ऑप्शन नंबर बी इज फॉल्स। टीएमबी हैज अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल इज नॉट करेक्ट बिकॉज दे हैव अ पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ओके, 77 एंडोस्पर्म फॉर्मेशन बिगिन। कह रहा है जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है किसके साथ स्टार्ट होता है? सस्पेंशन जब स्टैब्लिश हो जाता है, या फ्यूजन होता है इंटरपोडल सेल का, या जब सिंसाइटिकल डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, या जब फर्टिलाइजेशन होता है पोलर न्यूक्लियाई का। तो जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है वो किसके साथ स्टार्ट होता है? जब पोलर न्यूक्लियाई का फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब आपको पता है जब
पॉलन ग्रेन आके पॉलन ट्यूब अपना जर्मिनेट करता है, वो एम्ब्रियो सैक के अंदर जाता है, तो एक जो उसका स्पर्म होता है वो एक से एक को फर्टिलाइज करता है, दूसरा जो होता है जो पोलर न्यूक्लियाई आपका डिप्लॉयड होता है उससे जाके फ्यूज करता है, जिससे इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जो अब आपका ट्रिप्लॉयड बना ये आपका है क्या, प्राइमरी इंडोस्पर्म मदर सेल होता है ये आपका, और यही इंडोस्पर्म आगे चल के बनाता है। इसी के साथ इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन बिगिन होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 78 पे आते हैं, विच ऑफ द प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्स। अब आपने अभी ऊपर ये क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे आया था क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि FADS2, NADH2 इन सब का यूज़ करके हम ATP बनाते हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स वहाँ पे जनरेट होता है। तो यहाँ पे अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके वहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उन्हीं का यह बना होता है। कह रहा है ये जो इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं यहाँ पे, कौन सा इनमें से कॉम्प्लेक्स है जो इन्वॉल्व नहीं होता H+ के पंपिंग के लिए, ओके, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में। तो जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो H+ जो है मूव करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में, जिसकी वजह से वहाँ पे H+ ज़्यादा हो जाता है, और उसी H+ का हम यूज़ करके ATP का सिंथेसिस करते हैं। तो अगर आप देखेंगे मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, तो वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, और साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन सारे कॉम्प्लेक्सेस का नाम है, जैसे अगर आप देखिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है वो NADH यूबिक्यूनेन ऑक्सीडो रिडक्टेज उसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड की बात कर लें तो साइटोक्रोम BC1 बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फोर की बात कर लें तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज बोला जाता है, ओके, और ऐसे ही फिर कॉम्प्लेक्स फाइव यहाँ पे भी आता है एक। तो आप देखेंगे अगर मैं आपको यहाँ पे वो दिखाऊँ, फोटो दिखाऊँ, तो ये देखिए फोटो में आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली सोर्स मैंने लिया है, ये सिजानोव एल का पेपर था, जाइंट मॉलिकुलर प्रोटॉन पम्प स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये नेचर रिव्यू मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी में छपा है, वॉल्यूम 16, पेज नंबर ये है, 2015 में छपा था, ये लिंक भी है यहाँ पे कि वहीं से मैंने ये सारा फोटो वोटो लिया है, तो ये इसका क्रेडिट उन्हें जाता है। वहाँ पे आप देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है, यहाँ पे आप देखिए, ठीक, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है आपका, यहाँ पे आप देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स से प्रोटॉन इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा पंप किए जाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में माइटोकॉन्ड्रिया के, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यहाँ पे होगा, ये आप समझ लीजिए उसका मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो यहाँ पे उसके मेम्ब्रेन पे आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है जिसको NADH यूबिक्यूनोन ऑक्सीडोरिडक्टेज बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है सक्सिनेट क्यूनोन ऑक्सीडोरिडक्टेज जिसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स फोर हो गया साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जिसको बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स वी जो आपका ATP सिंथेज है जिसको आप F1 F0 ATP सिंथेज भी कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से कहाँ कहाँ पे प्रोटॉन पंप हो रहा है, तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है ये भी 6 प्रोटॉन पंप करता है, कुल मिला के यहाँ पे 4 ही आता है, ये जब यहाँ पे क्रॉस करता है 4 प्रोटॉन ये पंप करता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। कॉम्प्लेक्स सेकंड आप देखेंगे यही जो है यहाँ पे प्रोटॉन पंपिंग नहीं कर रहा है, मैंने कॉम्प्लेक्स थर्ड भी प्रोटॉन पंप किया है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स फोर्थ भी प्रोटॉन पंप किया है, और ATP जो सिंथेज है यहाँ पे इसका तो इन्हीं प्रोटॉन्स का यूज़ करके हम ATP सिंथेसिस में करते हैं, और ATP का सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होता है, इधर से प्रोटॉन पंप किया जाएगा और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपका ATP बनेगा। तो अगर आपसे इन चारों कॉम्प्लेक्स में पूछा जाए कौन सा कॉम्प्लेक्स जो हाइड्रोजन है वो पंप नहीं कर रहा है, प्रोटॉन पंप नहीं कर रहा है, तो आप जाएंगे कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो है आपका सक्सिनेट क्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो कहाँ पे है ये आपका बी जो हो गया, ठीक है, बी आप देखेंगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो आपका कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड, यही आपका वहां पे प्रोटॉन पंप नहीं करता। NADH आप देखेंगे यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये क्या है आपका पहला ही कॉम्प्लेक्स है, ये आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम BC1 तीसरा कॉम्प्लेक्स है, चौथा कॉम्प्लेक्स क्या है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा एक ही क्रम में दिया हुआ है, तो दूसरा है जो कॉम्प्लेक्स है आपका यही प्रोटॉन पंप नहीं करता है। ओके 79 पे आते हैं, कह रहा है इन एंजियोस्पर्म
द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस यूनिक। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आपने पढ़ा होगा एंजियोस्पर्म में, अगर आप एम्ब्रियोलॉजी आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे जब आपका एंडोस्पर्म बनता है, जैसे आपने अभी ऊपर क्वेश्चन आया था पोलर न्यूक्लियर से फ्यूज़ करता है, वो टिप्लॉयड हो जाता है, उसके बाद एंडोस्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो उसमें आप देखेंगे पहले ही फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। मतलब वहाँ पर जो माइटोसिस होगा उसमें कैरियोकाइनेसिस तो होगा पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। मतलब ये बार बार रिपीटेड न्यूक्लियर का ही डिवीज़न होता है और लास्ट में क्या होता है वहाँ पे वॉल बनता है। जैसे आपने कोकोनट में देखा होगा, जो कोकोनट में वाटर भरा होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही है, क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल नहीं बना रहता है, इसलिए वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, बी। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में। 80 पे आते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। कह रहा है मियोसिस जो आपका सेल डिवीजन होता है, ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है, कि ये मियोसिस होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के लिए, क्या ये ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन के लिए, या इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ मेच्योर सेल्स एंड डिस्ट्रॉइंग डेड सेल्स उसका नंबर बढ़ाने के लिए, या मेंटेनिंग द नंबर ऑफ क्रोमोजोम कॉन्स्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। तो सीधा सा आंसर इसका डी वाला है, कि मियोसिस सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल है कि ये मेंटेन करता है क्रोमोजोम नंबर को कांस्टेंट रखता है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। जैसे आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए जो आपके गैमेट्स बनते हैं वो माइटोसिस के जरिए बनते, तो एक गैमेट डिप्लॉयड होता, दूसरा गैमेट आपका डिप्लॉयड होता, वो जो फ्यूज करता, जो रिजल्टिंग आपका ऑफ स्प्रिंग बनता वो टेट्राप्लॉयड होता, ठीक है, 4N। ऐसे ही जब फिर उसके गैमीट बनते जो नेक्स्ट बनता वो ऑक्टाप्लॉयड होता, तो ऐसे ऐसे तो बढ़ता जाता। तो मियोसिस हमें हेल्प करता है कि एक पेरेंट है, दो मतलब पेरेंट दो इंडिविजुअल हैं, उनका जो हो क्रोमोसोम वो हाफ हो जाए, जो रिजल्टिंग आपका ऑफस्प्रिंग बने वो फिर से डिप्लॉयड हो जाए, फिर जब उसके सेल्स में मियोसिस होगा वो भी हाफ होगा, फिर दूसरे वाले से फ्यूज़ करेगा वो भी हाफ होगा, फिर से वो कांस्टेंट रहेगा क्रोमोसोम नंबर। तो मियोसिस आपका इसी में हेल्प करता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, डी। चलते हैं 81 पे, कह रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये सॉइल में स्मॉलर अमाउंट में होते हैं इसलिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, या स्मॉलर अमाउंट में चाहिए होते हैं प्लांट्स को इसीलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स के लिए, या ये यूजफुल तो है बट नॉट रिक्वायर्ड बाय प्लांट। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, बी। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है वो प्लांट्स को स्मॉलर अमाउंट में चाहिए होता है इसीलिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे आप देखेंगे एक एग्जांपल, तो माइक्रो, पहले बात तो न्यूट्रिएंट की अगर हम बात कर लें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट कम अमाउंट में आपको चाहिए होता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो बोरॉन है, क्लोरीन है, मैगनीज है, आयरन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, निकल, सिलिकॉन, सोडियम, ये सारे जो आपके हैं ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, कह रहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल इज। अगर आप दोनों को जोड़ रहे हैं प्रेशर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल को, तो कह रहा है क्या वो कहलाता है, वाटर पोटेंशियल, फील्ड पोटेंशियल, ट्रांसपिरेशनल पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो अगर आपने देखा होगा वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा होगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं वाटर पोटेंशियल को, एंड सम ऑफ दीज पोटेंशियल, तो ये जो फैक्टर हैं इनके पोटेंशियल को सम करते हैं तो ओवरऑल हमें वाटर पोटेंशियल मिलता है। और हमें ये भी पता चलता है अगर हम दो जगह को कंपेयर करें तो वाटर कहाँ पे फ्लो होगा। तीन मेजर फैक्टर हैं जो सेल के वाटर पोटेंशियल को कंट्रीब्यूट करते हैं, पहला तो कंसंट्रेशन हो गया, दूसरा प्रेशर और तीसरा ग्रेविटी। और वाटर पोटेंशियल को हम सिम्बलाइज किससे करते हैं, साई से, आपने पढ़ा होगा प्लांट फिजियोलॉजी से आया वो क्वेश्चन है। तो यूजुअली अगर आप वाटर पोटेंशियल को इक्वल करेंगे, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल एंड ग्रेविटी। पर यहाँ पे दिया है प्रेशर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, दिस इज आल्सो इक्वलेंट टू योर वाटर पोटेंशियल। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ए। 83 पे आते हैं, अ कॉमन एडाप्टेशन ऑफ एक्वाटिक प्लांट इन द फॉर्मेशन ऑफ, कह रहा है एक कॉमन एडाप्टेशन है एक्वाटिक प्लांट्स का जो क्या है, क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा। तो अगर आप एक्वाटिक प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे वेल डेवलप्ड एरेनकाइमा होता है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एक्वाटिक प्लांट्स का,
यहाँ पे क्या होता है, एरेनकाइमा में गैप्स ज़्यादा रहते हैं आप देखेंगे उसके टिश्यू में, और यहाँ पे इसकी वजह से ये गैसेस का एक्सचेंज करता है अच्छे से। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, एरेनकाइमा। 84 पे आते हैं, द मेच्योर फीमेल गेमेटो फाइट, द मेच्योर फीमेल गेमेटो फाइट जो है आपका ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज, क्या होता है वहाँ पे एक आर्चिगोनियम होता है, तो एंजियोस्पर्म में तो आपको पता है आर्चिगोनियम होता नहीं है। क्या हम बोलते हैं गेमेटोफाइट, जो फीमेल गेमेटोफाइट, ये ओव्यूल को बोलते हैं इनसाइड ओवरी? नहीं, उसको आप ओव्यूल तो नहीं बोलते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट एक्चुअली ओव्यूल के भी अंदर होता है, कार्पेल को तो आप बोलते नहीं कि आफ्टर पॉलिनेशन यू कॉल्ड कार्पेल एज फीमेल गेमेटोफाइट। तो ये जो आपका फीमेल गेमेटोफाइट है, ये आपका क्या है, एम्ब्रियो सैक जो होता है आपका ओव्यूल के अंदर, जहाँ पे 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल्स होते हैं जो कॉमन टाइप के हैं। तो एम्ब्रियो सैक्स आर हैप्लॉइड एग प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स विच कंस्टिट्यूट द फीमेल गेमेटोफाइट, जिसको आप मेगा गेमेटोफाइट भी बोलते हैं। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मेच्योरिटी 2 8 न्यूक्लियेट इज 7 सेल। वो भले आपका 8 न्यूक्लियेट होता है, पर 7 सेल का होता है, क्योंकि जो पोलर न्यूक्लियाई वाला सेल होता है वहाँ पे 2 न्यूक्लियाई रहते हैं एक ही सेल के अंदर, इसलिए 8 न्यूक्लियस रहता है 7 सेल के अंदर। तो डी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। आते हैं हम 85 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑल प्लांट्स। अब फिर से वही बात होगी माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट की। अब आपको देखना है कि कौन सा प्लांट के लिए ज़रूरी होता है इनमें से, सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम या मॉलिब्डेनम। तो आप देखेंगे एसेंशियल एलिमेंट में आपका मॉलिब्डेनम ही आता है। द एसेंशियल एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे मैंने आपको पहले बोला। अब जो लार्जर अमाउंट में चाहिए होते हैं उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, और जो हाफ अदर हो गए लोअर अमाउंट में चाहिए होते हैं स्मॉल अमाउंट में, उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर हो गया, और जो एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया वो बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, आयरन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम। तो देखिए यहाँ पे मॉलिब्डेनम आ गया, जो एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है। सो मॉलिब्डेनम इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑल प्लांट्स, यही करेक्ट होगा आपका ए। 86 पे आते हैं, कह रहा है मोनोकॉट्स में फ्लोएम किससे मिलके बना होता है? सीव ट्यूब तो सब में है, कंपेनियन सेल भी सब में दिख रहा है। अब बात करते हैं फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो आप देखेंगे मोनोकॉट्स में फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ए। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं, द सॉफ्ट वुड ऑफ कॉनिफर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द हार्ड वुड ऑफ एंजियोस्पर्म बाय द एब्सेंस ऑफ। कह रहा है जो कॉनिफर्स में या जिम्नोस्पर्म में आते हैं आपके कॉनिफर्स, कह रहा है जो जिम्नोस्पर्म में मोस्टली आप, या कॉनिफर्स की बात कर लें तो मोस्टली वहाँ पे आपको सॉफ्ट वुड मिलता है, और एंजियोस्पर्म की अगर हम बात कर लें तो हार्ड वुड मिलता है। ये क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों में, किसकी अब्सेंस की वजह से एक सॉफ्ट वुड हो जाता है एक हार्ड वुड हो जाता है? तो सबसे, अगर वुड के डिफरेंशिएशन की अगर बात करें, तो सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि सॉफ्ट वुड हार्ड वुड कैसे होगा, ये डिपेंड करता है हमारे वेसल एलिमेंट पे। वेसल आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, और वेसल एलिमेंट के ना होने की वजह से जो कोनिफर्स का वुड होता है उसे हम सॉफ्ट वुड बोलते हैं, और वेसल के प्रेजेंस में जो एंजियोस्पर्म है वो हार्ड वुड कहलाता है। अगर आप क्रॉस सेक्शन काटेंगे वुड का, हार्ड वुड का, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे होल की तरीके से दिखाई देंगे, जिसको हम पोरस वुड भी कहते हैं। इसीलिए वो जो पोर्स होते हैं वही एक्चुअली वेसल्स ही होते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिससे आप हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड को पहचान सकते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, एब्सेंस ऑफ वेसल एलिमेंट। 88 पे आते हैं, फंक्शन पूछा है यहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन का, जो रूट नेड्यूल्स में पाया जाता है लेग्यूम में, आपको पता है जो सिम्बियोसिस होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो वहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। कह रहा है इसका काम क्या है, नोड्यूल का डिफ्रेंशिएशन कराना, डिफ जीन्स का एक्सप्रेशन कराना, ये नाइट्रोजनेज एक्टिविटी को इनिबिट करता है, या ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग का काम करता है। तो जो लेग हीमोग्लोबिन है सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बाद ये बनता है वहाँ पे, इसका मेजर रोल क्या होता है, जो आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम है एक्चुअली ये ऑक्सीजन लेवाइल होता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसकी एक्टिविटी इनिबिट हो जाती है, डिनेचर्ड हो जाता है अगर ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से इनकाउंटर हो।
ऐसे में क्या करता है कि वहाँ पे नोड्यूल में आपका ये लेग हीमोग्लोबिन रहता है जो ऑक्सीजन का स्कैवेंजिंग का काम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, डी, द मेजर रोल ऑफ लेगोमिनेज ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग। 89 पे आते हैं बैकपैक यैक्स, ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब्स में यूज किए जाते हैं ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए वेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन इनटू न्यूक्लियसेस, नेम्स ऑफ बैक्टीरियल एरोमेटिक कंपाउंड, प्लांट एरोमेटिक कंपाउंड एंड ईस्ट एरोमेटिक कंपाउंड रिस्पेक्टिवली, या व्हेन बैक्टीरिया जीनोमिक डीएनए एंड्स विद एएनसी देन इट इज कॉल्ड बैक, व्हेन प्लाज्मिड डीएनए सीक्वेंस एंड्स विद एएनसी इट इज कॉल्ड पैक, और व्हेन ह्यूमन वाई क्रोमोसोम एंड्स विद एएनसी इट इज कॉल्ड एज यैक। तो एक्चुअली ये बैक पैक यैक्स ये सारे क्या हैं, डीएनए वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स हैं वो भी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स हैं जिनको मतलब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करके बनाते हैं। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ए। अब जो बैक है वो एक्चुअली बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, उसी का शॉर्ट फॉर्म बैक है। यैक अगर हम बात करें तो ये यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है जिसको शॉर्ट फॉर्म में यैक बोलते हैं। और थर्ड की बात करें, जो P1 डिराइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है ये पैक होता है जो कि डिराइव होता है P1 एक बैक्टीरियोफाज होता है उसके डीएनए से। और हम इसको कंस्ट्रक्ट इसीलिए करते हैं कि सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे अगर हम बैक की बात करें तो ये वेक्टर होता है और हम इसमें 300 किलो बेस पेयर का इंसर्ट सीक्वेंस डाल सकते हैं। वहीं अगर यैक की बात करें तो यहाँ पे हम 500 किलो बेस पेयर का साइज़ का इंसर्ट डाल सकते हैं, तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। और वहीं अगर हम P1 की बात करें तो ये 100 से लेके 300 तक का किलो बेस पेयर तक का इंसर्ट लेके जा सकता है। तो बैक यैक पैक क्या है आपके, डीएनए वेक्टर्स हैं। 90 पे आते हैं, इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंड प्लांट्स सैप्रोफाइट्स बिकेम डोमिनेंट ओवर गेमेटोफाइट्स ड्यू प्राइमरी टू वॉट एडाप्टेशन। कह रहा है अगर आपने इवोल्यूशन देखा हो प्लांट्स का, लैंड प्लांट्स का, और धीरे धीरे पहले आप ब्रायोफाइट में देखेंगे जो डोमिनेंट उसका प्लांट बॉडी होता है गेमेटोफाइट होता है, फिर धीरे धीरे स्पोरोफाइट की तरफ जाते हैं, और अगर आप देखेंगे जो गेमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म का वो हाईली रिड्यूस है, सेलुलर फॉर्म में पाया जाता है, वही जो आपको पूरा प्लांट बॉडी देखता है वो स्पोरोफिटिक होता है। कह रहा है ये एडाप्टेशन जो हुआ ये प्राइमरीली किसकी वजह से हुआ, कि एयर बॉर्न पॉलन होने लगे या सीड आ गया इसीलिए, ये वैस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ इसीलिए, या फ्लावर्स का। तो एक्चुअली ये जो स्पोरोफाइट इतना डोमिनेंट हुआ तो वहाँ पे इसके पीछे रीज़न ये था कि वहाँ पे वैस्कुलर सिस्टम अच्छे से डेवलप हुआ जिसकी वजह से स्पोरोफाइट जो है उसका इवोल्यूशन हुआ लैंड प्लांट्स में। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, वैस्कुलर टिश्यू। 91 पे आते हैं, रेंडियन मॉस किसको बोला जाता है, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना पॉलिटार्कियम स्ट्रिक्टम स्फैग्नम पेपिलोसम फिपरेजिया ल्यूसीडुला का। तो रेंडियर मॉस आप देखेंगे लाइकेन से आए हो क्वेश्चन, रेंडियर मॉस हम बोलते हैं क्लेडोनिया को। ये एक आपका फ्रूटिकोज लाइकेन है जो आर्कटिक लैंड्स में कॉमनली पाया जाता है। ये इरेक्ट होता है, मेनी ब्रांच प्लांट है जो लगभग 8 सेंटीमीटर तक का तक ग्रो करता है और बहुत सारे एरियाज को ये कवर करके रखता है, और ये एक पाश्चर की तरीके से सर्व करता है जो इसको रेंडियर यूज करते हैं, मूस कैरिबाओ और मस्क ऑक्सन जैसे जो एनिमल्स हैं इसको खाते हैं। 92 पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट रिलीज एज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप इन द मार्केट सो फार। कह रहा है इनमें से किस प्लांट का जो है ट्रांसजेनिक क्रॉप अभी तक मार्केट में नहीं आया। ट्रांसजेनिक आपको पता है जिसके अंदर कोई और डीएनए का इंसर्ट हो। तो आप देखेंगे टोमेटो का आया है, पपाया का आया है, एप्पल का भी आया है, लेकिन पेपर जो है आपका जो पाइपर नाइग्रम आप बोलते हैं ब्लैक पेपर, उसका अभी कोई ट्रांसजेनिक क्रॉप मार्केट में नहीं आया है। ठीक, विवी पैरी बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। विवी पैरी आपको पता है कि जब फ्रूट प्लांट पे लगा रहे और उसी पे जो होता है उसका जो सीड होते हैं जर्मिनेट कर जाते हैं तो उसको हम विवी पैरी बोलते हैं। और ये कंडीशन आपको ज़्यादातर जैसे ब्रुगियेरा सीरियोप्स कैंडेलिया और राइजोफोरा के जो स्पीशीज़ हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं, इसको क्या बोलते हैं मैंग्रोव प्लांट्स हैं वहाँ पे आपको ये कॉमनली देखने को मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, सीड जर्मिनेशन इनसाइड द फ्रूट व्हाइल अटैच्ड टू प्लांट इज नोन एज विवी पैरी। 94 पे आते हैं, कह रहे हैं वर्निलाइजेशन का जो प्रोसेस है ये
ये जो होता है इसका ट्रीटमेंट किसको दिया जाता है? वनीला आइस शेक क्या है? एक ये कोल्ड ट्रीटमेंट है जिसे हम फुली हाइड्रेटेड सीड को देते हैं, या ये कोल्ड ट्रीटमेंट है जिसे हम ड्राई सीड को देते हैं, या ये कोल्ड ट्रीटमेंट है जिसको हम फुली हाइड्रेटेड फ्लावर बड को दिया जाता है, या ये कोल्ड ट्रीटमेंट है जिसे हम डेहिज जो फ्लावर डे जिस डेहिसेंस हो चुका है जिसके एंथर का उसको हम देते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर ना होगा ना तो हाइड्रेटेड फ्लावर बड। यहाँ पे बात है हाइड्रेटेड सीड का या ड्राई सीड का। तो अगर आप वर्निलाइजेशन देखेंगे, वर्निलाइजेशन ये है आर्टिफिशियल एक्सपोजर है जहाँ पे हम जर्मिनेटिंग सीड का, सीड जर्मिनेट कब करेगा? जब उसको वाटर मिले। हाइड्रेटेड सीड होना चाहिए, ऐसा सूखा नहीं कि वहाँ पे प्लांट्स नहीं रहे उसके बाद भी वो कैसे ग्रो करेगा बिना प्लांट का। तो सीड हाइड्रेटेड होगा, जर्मिनेटिंग कंडीशन में होगा, तब उसको कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं। और कोल्ड ट्रीटमेंट देने की वजह से क्या होता है आपका, उसमें फ्लावरिंग की क्षमता आ जाती है। नहीं तो क्या होगा, जैसे कुछ कुछ प्लांट होते हैं, अभी आप देखिए आपने गर्मी के टाइम में लगाया, फिर विंटर आना होगा, विंटर जब बीत जाएगा मतलब एक तरीके से समझिए कोल्ड ट्रीटमेंट उसको मिल गया, उसके बाद वो फ्लावरिंग करता है। तो अब ये आप मौसम के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो इसलिए हम आर्टिफिशियल ये ट्रीटमेंट देते हैं, एक सीड को जर्मिनेट कराते हैं, उसके बाद उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो उसमें फ्लावरिंग आराम से आ जाती है और हमें नेक्स्ट सीजन का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ए, अ कोल्ड ट्रीटमेंट गिवन टू अ फुली हाइड्रेटेड सीड। 95 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट इशेंशियली रिक्वायर्ड फॉर इन विट्रो मॉलिकुलर क्लोरिंग टेक्निक। कह रहा है अगर आपको मॉलिकुलर क्लोरिंग टेक्निक करना है, आप कौन सा इसमें से जो कंपोनेंट है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है? डीएनए लाइगेज, प्लाज्मिड, डीएनए टोपोआइसोमेरेज या रिसेप्शन एंजाइम। तो ये जो मॉलिकुलर टेक्निक है, कह रहा है 1970 से पहले, पहली बात तो जेनेटिक्स और मॉलिकुलर बायोलॉजी का जो था वो अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से जीन आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे। और ये चेंज हुआ जब हमारा आया मॉलिकुलर क्लोनिंग मेथड्स, और यहाँ पे जो होता है आप देखेंगे प्लाज्मिड का यूज़ तो किया ही जाता है, डीएनए लाइगेजेस का भी बहुत यूज़ किया जाता है फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के लिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किया जाता है कट करने के लिए, जैसे प्लाज्मिड आप वेक्टर की तरीके से यूज़ करते हैं और फिर आपका एक डिजायर्ड डीएनए होगा, फिर हम डिजायर्ड डीएनए को और प्लाज्मिड को एक ही तरीके के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, फिर वहाँ पर आपको स्टिकी एंड मिलेंगे जिसकी वजह से वो दोनों जुड़ते हैं, और जोड़ने के लिए आपको डीएनए लाइगेज चाहिए होता है। तो देखिए तीनों का यूज़ हो गया, पर डीएनए टोपो आइसोमेरेज का आप यूज़ नहीं देखेंगे मॉलिकुलर क्लोनिंग टेक्निक में। इसीलिए इसमें पूछा है कि जो नॉट इशेंशली रिक्वायर्ड कौन सा है आपका, तो आपका वो कौन सा होगा? डी, डीएनए टोपो आइसोमेरेज। 96 पे आ जाते हैं, अब हम कह रहा है मैच कराना है, काफ़ी ईजी है ये क्वेश्चन। आपको लिस्ट ए में दिया गया है कुछ सेल वॉल मटेरियल के बारे में और एक किस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उससे आपको मैच कराना है। काइटिन आपको पता है बहुत बेसिक है, काइटिन फंजाई में पाया जाता है, फंजाई के सेल वॉल में। लिग्निन जो होता है ये एंजियोस्पर्म के सेल वॉल में पाया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकॉन की बात कर लें तो बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है। और एल्जिनिक एसिड जो पाया जाता है ये ब्राउन एल्गी के सेल वॉल में पाया जाता है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपका? सी, पहला का सी, दूसरा का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का बी। 97 पे आ जाते हैं, व्हाट इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन क्या होता है मैंने आपको अभी बताया। नेचुरल फंक्शन का मतलब है जैसे हम मॉलिकुलर क्लोनिंग में इसको अपने फायदे के लिए तो यूज़ करते ही करते हैं, वो तो ठीक है, पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं, तो बैक्टीरिया में ये क्या कर रहा था, इसका नेचुरल फंक्शन वहाँ पे क्या था? क्या वो कह रहा है प्रोटेक्टिंग बैक्टीरिया? पहली बात तो सारे ऑप्शन में प्रोटेक्टिंग बैक्टीरिया है, तो किससे प्रोटेक्ट कर रहा था? पहला क्लीविंग द डीएनए ऑफ इन्फेक्टेड वायरसेस, क्लीविंग देयर ओन डीएनए बाय मिथिलेटिंग देयर ओन डीएनए बाय मिथिलेटिंग द डीएनए ऑफ इन्फेक्टेड वायरसेस। कह रहा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन क्या है, तो आपको पता है सीधा सीधा ये जो है जब कोई वायरस उसको इन्फेक्ट करता है तो उसको डीएनए को क्लीव करने के लिए ये बैक्टीरिया जो होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। 98 पे आते हैं, UNFCCC स्टैंड फॉर, ये किसके लिए स्टैंड करता है? तो आप देखेंगे ये जो UNFCCC है आपका, ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के लिए स्टैंड करता है, और ये के इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो सी क्या करती है, टू रिड्यूस एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग डेंजरस
एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. 99 पे आते हैं फिर से. यहाँ पे लिस्ट ए और लिस्ट बी को मिलाना है, और यहाँ पे आप डिजीज है और उसका काजल एजेंट है क्या होगा, वहाँ पे आपको स्पीसीज और जीनस के लेवल पे नहीं बताना है, मेजर ग्रुप ही बताना है. जैसे लीफ रोल ऑफ पोटैटो, तो ये एक वायरल डिजीज़ है जो पोलेरो वायरस जीनस के जो मेंबर्स हैं वो कॉज करते हैं. अगर हम रेड रॉट शुगर केन की बात करें तो आपको पता है कॉमन फंगल डिजीज़ है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम द्वारा ये होता है. साइट्रस कैंकर की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी पॉपुलर डिजीज़ है, जैंथोमोनास सिट्राइड द्वारा ये होता है साइट्रस प्लांट में या उसके रिलेटेड प्लांट्स में. रूट नॉट की अगर हम बात कर लें तो टोमेटो में होता है, या रूट नॉट स्पेसिफिकली जो है निमेटोड से होता है, एक निमेटोड है आपका मिलाइडो गाइने उससे होता है आपका. तो आप देखेंगे ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे बी में. पहला का बी, पहला वायरल, दूसरा का सी फंगल, तीसरा बैक्टीरियल और आपका क्या हो गया फोर्थ ए निमेटोड. ओके 100 पे आ जाते हैं हम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर प्लाज्मिड. यहाँ पर प्लाज्मिड के लिए चार स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा है कौन सा स्टेटमेंट प्लाज्मिड के लिए ट्रू नहीं है. अब प्लाज्मिड इज जनरली अ स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लाज्मिड का मैप बना हुआ है ये आप सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, ये डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है, दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम सेल्स क्रोमोजोमल डीएनए. बी अ प्लाज्मिड कंटेन मल्टीपल क्लोनिंग साइट. अगर हम बात करें मल्टीपल क्लोनिंग साइट का तो हाँ ये फीचर होता है प्लाज्मिड का कि वहाँ पे मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होते हैं. सी की बात करें प्लाज्मिड कैन नॉट बी यूज इन जीनोमिक सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट. सो ये यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गलत है. जो प्लाज्मिड है उसका बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ हुआ है जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के लिए, तो यही आपका ऑप्शन मिल गया जो इनकरेक्ट है. डी फिर भी देख लेते हैं. प्लाज्मिड पजेज एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. यस विदाउट पजिंग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्लाज्मिड रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है. तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है आपका सी, जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के लिए ये कह रहा नहीं यूज़ होता, एक्चुअली ये यूज़ होता है. प्लाज्मिड मैप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए प्रमोटर है, ये जो हम अपना इंसर्ट जीन करते हैं वो यहाँ पे ठीक है यहाँ पे डाल देंगे. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी यहाँ पे रहेगा और सेलेक्टेबल मार्कर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, एंटीबायोटिक रेसिस्टिंग जीन भी आप डाल सकते हैं जिसके बाद हम इसका सिलेक्शन करते हैं. और ये कुछ फीचर्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. जो वेक्टर एलिमेंट होते हैं मतलब प्लाज्मिड के जो जो फीचर्स होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है, जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गया, ये क्या करता है इनिशिएशन कराता है रेप्लिकेशन का, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन क्या करता है, ये जब हम सिलेक्शन करते हैं कि प्लाज्मिड कंटेनिंग बैक्टीरिया जो जिस बैक्टीरिया में हमारा गया है ये वेक्टर वहाँ पे सारी चीज़ें इंसर्ट विंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये सेलेक्टेबल मार्कर की तरीके से यूज़ करते हैं. जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट की बात करें, ये शॉर्ट सेगमेंट होते हैं डीएनए में जहाँ पे सेवल रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं जो हमें अलाउ क्या करते हैं हम इजिली इंसर्शन कर लें डीएनए का. इंसर्ट तो आपको पता है जो आपका जिसमें आप इंटरेस्टेड हो जो आपको डालना है वहाँ पे प्रमोटर रीजन जो होता है ये ड्राइव करता है ट्रांसक्रिप्शन का. सेलेक्टेबल मार्कर मैंने आपको अभी बताया जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होते हैं ये हमें सेलेक्शन के लिए अलाउ करते हैं बैक्टीरिया में. प्राइमरी बाइंडिंग साइट तो है ही यहाँ पे, ये भी एक शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस होता है यूज्ड एज इनिशिएशन पॉइंट फॉर पीसीआर एम्प्लीफिकेशन या सीक्वेंसिंग के लिए. प्राइमर्स कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर सीक्वेंस वेरिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड. तो ये आपका सारा हो गया क्वेश्चन 100 तक का. अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे. तो पूरा का 100 जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आप देंगे फिजियोलॉजी से, जो प्लांट फिजियोलॉजी है वहाँ से इस पेपर में सबसे ज़्यादा 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं. उसके बाद 11 11 क्वेश्चन आपका आया है बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी पे. फिर आपका आता है चौथे पोजिशन पे साइटोलॉजी जहाँ से 9 क्वेश्चन था, और उसके बाद 8 और 7 क्वेश्चन आपका आया माइक्रोबायोलॉजी जनरल केमिस्ट्री से. फिर इसके बाद आप देखेंगे नंबर थोड़ा थोड़ा कम होता गया है, 5 जेनेटिक्स से, इकोलॉजी से 4, एंजियोस्पर्म से 4, माइक्रो मॉलिकुलर बायोलॉजी से 4, बायोस्टैट से 4 आया था, एनाटॉमी से 3, एम्ब्रियोलॉजी से 3, वहीं एक और ये जो आपके लास्ट में जो 7 हैं जैसे इकोनॉमिक बॉटनी हो गया, केवल 2 क्वेश्चन जनरल जूलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म से, 2 क्वेश्चन ब्रायोफाइटा से, 1 क्वेश्चन टेरिडोफाइटा से, 1 क्वेश्चन एल्गी से, 1 क्वेश्चन और लाइकेन से 1 क्वेश्चन आए थे. तो ओवरऑल आपका ये 100 क्वेश्चन हो गए.
तो आपको पता है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है कहाँ से आपका, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जर्नल केमिस्ट्री से। तो इन सब पॉइंट्स पे आप फोकस करिए ज़्यादा, और इन सबको भी आप जर्नल में पढ़ के रखिए। ओके, तो ये मैं आपको पीडीएफ जो है दे दूंगा कुछ टाइम बाद, जहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर में मैंने एक चीज़ ये देखा कि यहाँ पे जो है इन दो साइड से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे इन दोनों साइट पे जो है आप जाइए यहाँ पे क्लिक करके, और इन पे जो भी जो यहाँ पे मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री से बायोटेक के, यहाँ पे जो भी टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वायोलॉजी के, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन, वो सारे सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि एग्जैक्ट मैंने देखा इस क्वेश्चन पेपर में 4-5 क्वेश्चन जो है यहीं से इस साइड से रखा हुआ है, तो क्या पता उन्होंने यहीं से रखा हो। तो इस पे सारा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, खासतौर पर मैंने आपको बोला बायोकेमिस्ट्री से आने वाले क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी से और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आने वाले क्वेश्चन यहीं से आए हुए हैं, तो इसका आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये ख़त्म हुआ यहाँ पे आपका सेकेंड पार्ट। तो वेट कीजिए हमारे इस चैनल पे किसी और वीडियो के लिए। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जो है रेगुलरली ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे डालता रहता हूँ जो आपके प्रिपरेशन के लिए या आपके जूनियर्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, DU हो, CU सेट का एग्जामिनेशन हो, कल्याणी यूनिवर्सिटी हो, उड़ीसा का आपका रेवनशॉ यूनिवर्सिटी हो, तो बहुत सारे हैं। आप उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं, और BHU के लिए खास तौर पे बहुत सारे वीडियो हैं हमारे चैनल पे। तो चलता हूँ मैं, देखते रहिए, आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और काफ़ी यूज़फुल लगा हो तो शेयर कीजिए आपके ग्रुप पे, जहाँ पे लोग प्रिपरेशन कर सके इन वीडियो को देख के। ओके, तो चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।